भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज और न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे एक दिवसीय मैच में शानदार शतक लगाने वाले रोहित शर्मा ने भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह की काफी तारीफ का है। रोहित शर्मा ने दोनों को विश्व का सबसे अच्छा डेथ ओवर गेंदबाज बताया है। रोहित शर्मा ने कहा कि इसी वजह से भारतीय टीम को हाल के दिनों में काफी सफलता मिली है। रोहित शर्मा ने कहा कि बिना भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह के भारतीय टीम लगातार 7 श्रृंखला नहीं जीत पाती। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हमारे पास डेथ ओवर के 2 सबसे अच्छे गेंदबाज हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी श्रृंखला को देख तो जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की वो काबिले तारीफ है, क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी को देखें तो उनके पास पावर हिटर हैं, लेकिन इन दोनों गेंदबाजों ने कई बार मैच में वापसी कराई। उन्होंने कहा कि यहां तक कि इस मैच में भी ओस काफी पड़ रही थी, गेंद गीली थी और जिस तरह का विकेट था उस पे 2 सेट बल्लेबाजों की वजह से रन रोकना मुश्किल हो रहा था। इस विकेट पर इस तरह की परिस्थितियों में 4 ओवर में 35 रन न बनाना काफी आसान था। ये रन आसानी से बन सकते थे, लेकिन इन दो गेंदबाजों ने ये रन नहीं बनाने दिए। गौरतलब है न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी एक दिवसीय मैच में जसप्रीत बुमराह ने डेथ ओवरों में काफी शानदार गेंदबाज की, वहीं भुवनेश्वर कुमार पहले तो महंगे साबित हुए लेकिन आखिर में उन्होंने भी वापसी की और एक अहम विकेट निकाला। न्यूजीलैंड को आखिरी 3 ओवर में 30 रन बनाने थे और उसके 5 विकेट शेष थे, लेकिन भुवी और बुमराह ने कीवी बल्लेबाजों को रन नहीं बनाने दिया। इस शानदार गेंदबाजी की बदौलत भारतीय टीम ने 6 रनों से मैच जीत लिया और सीरीज भी अपने नाम की। इस तरह से न्यूजीलैंड का भारत में भारत के खिलाफ एक दिवसीय श्रृंखला जीतने का सपना फिर रह गया। मैच में जसप्रीत बुमराह ने 10 ओवर में 47 रन देकर 3 विकेट चटकाए, जबकि भुवनेश्वर कुमार ने अहम मौके पर विकेट निकालकर भारतीय टीम को वापसी कराई। आपको बता दें, इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने भी भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह को विश्व का सबसे अच्छा डेथ ओवरों का गेंदबाज बताया था।